<الله, <speak. لم> الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله <wrestling ps2> إلا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. अमसाल प्रोग्राम के सिलसिले में आज हम दुनिया के जवाल के बारे में दो मिसालें पढ़ेंगे जो सूरत यूनस और सूरत अल अलहफ में बयान हुई हैं पहले सूरत यूनस की मिसाल

فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون مستقيم. दुनिया की जिंदगी की मिसाल तो बस उस पानी की सी है जिसे हमने आसमान से उतारा तो उसके साथ ज़मीन से उगने वाली चीज़ें खूब मिलजुल गईं, जिससे इंसान और चौपाए खाते हैं यहाँ तक कि जब जमीन ने अपनी आरइश हासिल कर ली और खूब मुजीन हो गई और उसके रहने वालों ने यकीन कर लिया कि बेशक वो इस पर कादिर हैं तो रात या दिन को इस पर हमारा हुक्म आ गया तो हमने उसे कटी हुई की तरह कर दिया तो हमने उसे कटी हुई कर दिया जैसे वो कल थी ही नहीं इसी तरह हम उन लोगों के लिए आयत खोल कर बयान करते हैं जो खूब सोचते हैं और अल्लाह सलामती के घर की तरफ बुलाता है और जिसे चाहता है सीधे रास्ते तक पहुंचा देता है مثال سورة الكهف نمبر "وأضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنجرناه من السماء من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما" और इनके लिए दुनिया की जिंदगी की मिसाल बयान कीजिए जैसे पानी जिसे हमने आसमान से उतारा तो उसके साथ जमीन की नबातात खूब मिलजुल गई फिर वो चूरा बन गई जिसे हवाएं उड़ाए फिरती हैं और अल्लाह हमेशा से हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाला है पहली मिसाल का स्याक सबाक कुछ यूं है कि इससे पहले अल्लाह सुबहान तला फरमाते हैं कि वही है जो तुम्हें खुशकी और समुन्दर में चलाता है यहाँ तक कि जब तुम कश्तियों में होते हो और वो उन्हें लेकर उम्दा हवा के साथ चल पड़ती हैं और वो इस पर खुश हो जाते हैं तो इन कश्तियों पर सख्त तेज़ हवा आ जाती है यानी पहले आराम से चीज़ स्मूथली चल रही होती हैं और फिर यका यक तेज़ हवा आती है और उन पर हर जगह से मौज आ जाती है और वो यक़ीन कर लेते हैं कि बेशक उनको घेर लिया गया तो अल्लाह को इस तरह पुकारते हैं कि हर इबादत को उसके लिए खालिस करने वाले होते हैं कि यकीनन अगर तूने हमें इससे निजात दे दी तो हम जरूर ही शुक्र करने वालों में से होंगे फिर जब उसने उन्हें निजात दे दी अचानक वो जमीन में ना हक सरकशी करने लगते हैं ऐ लोगों तुम्हारी सरकशी तुम्हारी जानों ही पर है दुनिया की जिंदगी के फायदे के लिए फिर हमारी ही तरफ तुम्हें लौट कर आना है ये दुनिया की जिंदगी के चंद दिन का फायदा है फिर हमारी ही तरफ तुम्हें लौट कर आना है तो हम तुम्हें बताएंगे कि तुम क्या कुछ करते रहे बग्युकुम अला तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगा जैसे सूरत में आता है। जिसने बुराई की, उसको उसी पर वो पलटेगी तो वो बुराई उसी पर पलटेगी यानी ये फसाद और नाफरमानी तुम्हारे लिए वबाल बन जाएगी तो इसी तरह इंसान इस दुनिया की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरह की ख्वाहिशात के साथ लुत्फंदोज होता है अगर इनके दरमियान वो अपने रब को याद नहीं करता अपने अगले घर को याद नहीं करता जहां उसे हमेशा रहना है तो फिर उसके लिए सिर्फ़ गम और हसरतें ही बाकी रह जाएंगी दुनिया का साजो सामान तो ख़त्म हो जाएगा जिसको अल्लाह सुबहान मिसाल में बेहतरीन तरीके से बयान किया है क्योंकि उमूमन इंसान दुनिया की खूबसूरती और रौनक से धोखा खा जाता है जब वो किसी चीज़ का मालिक होता है तो वो समझता है कि अब मुझे कोई चीज़ नुकसान नहीं दे सकती यका यक इंसान पर ऐसी जगह से आफत आती है कि जिसको इंसान सोच भी नहीं सकता और उसके साथ ही उसके लुत्फ का वक्त ख़त्म हो जाता है तो आइए देखते हैं इस मिसाल को कुछ वज़ाहत के साथ इन नमा मसल दुनिया इन नमा हसर है यानि इसके सिवा कुछ नहीं हकीकत यही है मसलुल हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी की मिसाल यानि दुनिया की जिंदगी की हालत उसका वसम कैसे है कैसी है ये दुनिया की जिंदगी कमाइन पानी की तरह अनजल ना हूं जिस पानी को हम आसमान से उतारते हैं यानी बारिश का पानी बारिश का पानी जो है वो बरकत वाला फायदा मंद मुफीद, मीठा पानी होता है यानी जितने भी पानी की किस्में हैं उन सब में बेहतरीन पानी होता है क्योंकि इस पानी से नबाता खूब उगती है सूरह काफ में आता है व नزلنا من السماء ماء مبارك fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid हमने आसमान से बरकत वाला पानी नाज़िल किया जिससे हमने बाग उगाए और अनाज भी जो काटा जाता है तो जब यह बारिश बरसती है तो ब बारिश बरसने का भी जो मंजर है वो बड़ा खूबसूरत होता है लेकिन उसका जो नताइज हैं वो उससे भी बेहतरीन होते हैं कैसे फ्तला तभी नबातुलर्द तो वो जमीन की नबाता के साथ रल मिल जाता है इसके दो मानी हैं। एक ये कि बारिश के पानी से बसरत पैदावार होती है और वो एक दूसरे के साथ मिलजुल जाती हैं। एक पौधे इतनी ज्यादा नबातात हो जाती है कि एक पौधे की शाखे दूसरे के अंदर दूसरे के दूसरे के अंदर यानी जब घनी नबातात होती है और फिर रंग रंग की खासतौर पर जंगलों में खुली जगहों पर होते हैं तो यहाँ फिर माना क्या होगा फखलाता बेसबी ही यानी बा यहाँ सबबिया होगी कि इस बारिश की वजह से नबातुल अर्ज जो थी वो आपस में मिलजुल गई मुख्तलत हो गई घुल मिल गई और दूसरा माना क्या है कि पानी से जो पैदावार या नबाता हासिल हुई वो इंसानों और चौपायों के लिए मिली जुली थी जैसे गंदम के दाने तो इंसानों की खुराक थे और इसी के अंदर से जो भूसा निकला या जो उसके पत्ते वगैरह थे वो चौपायों की खुराक बन गए और नबाता के अक्सर जो अकसाम हैं उनकी यही सूरत होती है कि उनमें से कुछ इंसान खाते हैं और कुछ जानवर खाते हैं कुछ परिंद खाते हैं तो मिली जुली नबाता उगती है जमीन से जिसमें सब की जरूरियात पूरी होती हैं और वैसे भी है कि फख्तला तबी नबातल तो पानी जो है वो अर्ज में मिल जाता है यानी उसके साथ मिलके उसको रौनक बख्शता है यानी जब ये पानी मट्टी की अंदरूनी तय में दाखिल हो जाता है पौधों के ऊपर तो पड़ता ही है तो डायरेक्ट पौधे नहीं लेते पानी जमीन के अंदर जाता है और उस मट्टी के अंदर उस ज़मीन के अंदर बीज होते हैं तो ये बीज उगाते हैं और उम्दा नबातात की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और ये नबाता फिर पुर रौनक बन जाती है इसी तरह ये है कि पत्तों को धोने के काम में आती है और उनकी जो सब्ज़े का रंग है या फ्रूट की जो क्वालिटी है उसको बेहतरीन बनाने का काम करती है तो इस पानी के लिए फिर जीनत भी हासिल होती है यानी नबाता जब खूब फलती फूलती हैं तो खुशनुमा और बारौनक बन जाती हैं पानी से ज़िंदगी को ज़मीन मिलती है जैसा कि सूरत नाहल में भी आता है वल्लाहु मिनस समाई माअन अर्द वाह मन फिल् न आय लिकौमी यस्माउन और अल्लाह ने आसमान से कुछ पानी नाजिल किया फिर उसके साथ ज़मीन को उसके मरने के बाद ज़िंदा कर दिया इसमें उन लोगों के लिए यकीनन एक निशानी है जो सुनते हैं फिर फरमाया मिम्मा कुल्स अन अनाम। वो नबातात जो होते हैं उसमें से इंसान और अनाम खाते हैं जैसे गल्ला जात और फल वगैरह इंसान खाते हैं और मुख्तलिफ तरह की घास या फिर गल्ले के बकाया जात जो होते हैं

इन ना लक आयात वही जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बना दिया और तुम्हारे लिए उसमें रास्ते जारी कर दिए और आसमान से कुछ पानी उतारा फिर हमने उसके साथ कई किस्म की मुख्तलिफ नबात निकाली खाओ और अपने चौपायों को चराओ बेशक इसमें अकल वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं तो एक ही पानी बरसता है एक ही जमीन होती है और उसमें मुख्तलि तरह के किस्म किस्म के लाखों किस्म के पौधे जो है वो जमीन से निकलते हैं जिनकी असल तादाद अल्लाह ही जानता है ये उसी की प्लानिंग और उसी का प्रोग्राम है यानी तरह तरह का रिस्क उसमें से निकलता है नबात इन शत्ता एक और जगह पर आता है वह अखरजना भी नबाता कुल्ली शई हमने इसके साथ हर किस्म की नबाता उगाई यानी जितनी भी नबाता हैं चाहे वो दरख्तों की शक्ल में है या बेलों की शक्ल में या पौधों की शक्ल में है या बाढ़ की शक्ल में किसी भी शक्ल में वो सारी इस पानी की मोहताज है पानी के बग़ैर ज़मीन के अंदर से कुछ भी नहीं निकल सकता और ये पानी कभी तो बरह बारिश का बरसता है तो फ़ायदा देता है और कभी वही पानी जो एक्स्ट्रा बारिश का होता है वो ज़मीन में रिस रिस कर ज़मीन के अंदर जो स्टीम्स बनती हैं उनसे फिर निकल कर नबातात को सैराब करता है तो बहरहाल हर तरह के फल हर तरह के पौधे फूल और गल्ला जात ये सब कुछ जमीन के अंदर से निकलता है और वो सब भी जो जानवर खाते हैं किसी एक भी गजा को आप ले लें तो उसके मुख्तफ अज्जा होते हैं उसके मुख्तफ हिस्से होते हैं एक पौधे के मुख्तलिफे होते हैं तना होता है शाखें होती है पत्ते होते हैं उसके अंदर फूल होते हैं उसके फल होते हैं उसके अंदर बीज फिर होते हैं तो उनमें से हर एक के अपने अपने फ़ायदे हैं अपने अपने उसके मिसाल के तौर पर आप देखें आ, बेरी का पौधा लें उसके फल किसी और काम आते हैं और पत्ते किसी और काम आते हैं कितने जानवर बेरी के दरख्तों से पत्ते झाड़ के काट के खाते हैं फिर इसी तरह गंदम का पौधा होता है तो उसका छोटा सा बीज यानी दाना जो है वो इंसान खाता है लेकिन बाकी सारा हिस्सा जानवरों के काम आता है और एक गंदम के छिलके को ही आप ले लें गंदम के ऊपर से जो भूसी उतरती है उसके अंदर मादनियात की बहुत सी मकदार पाई जाती है कहा जाता है कि उसमें पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम और सिलिकॉन पाया जाता है जिस छिलके को हम उतार के फेंक देते हैं और ये मादनियात जो हैं हमारे जिसम की जो टूट फूट होती है उसमें बेहतरीन काम करती हैं और हमारे जिसम को ताकत भी पहुँचाती है यानी बहुत सी विटामिन आप कह लें कि उसके अंदर मौजूद होती हैं जो अल्लाह सुबहान इंसान के लिए पैदा किए लेकिन इंसान आमतौर पर जानवरों के आगे डाल देता है या क्योंकि हम वो जो भूसी निकलती है उसको अमूमन पर जानवरों को खिला देते हैं और ख़ुद वाइट ब्रेड पसंद करते हैं सफ़ेद रोटी जिसमें सिर्फ नशास्ता होता है तो बहरहाल हम इंसान बहुत अक्लमंद होते हुए बाज़त ऐसी ज़ाएँ खाते हैं कि जो हमारे लिए फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसानदेह होती हैं ये वजह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी ऐसे आटे की रोटी नहीं खाई कि जिससे ऊपर से छिलका उतरा हुआ हो और कहते हैं कि बाज़ोल्लम कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो मुसलमानों ने रसूल अल्लाह वसल्लम की वफ़ात के बाद ईजाद की वो आटे को छाना था और ये नया काम था जो वजूद में आया था वरना उससे पहले ये नहीं होता था तो बहरहाल अल्लाह सुबहान ज़मीन के अंदर इतना पोटेंशल रखा है इतना इतने ख़जाने रखे हैं जो हमारे फ़ायदे के हैं इनमें खाने पीने का फ़ायदा तो होता ही है ताकत भी हासिल होती है झजाइत सब कुछ मिलता है लेकिन यहाँ जिस चीज़ का जिक्र किया जा रहा है वो मंज़र है कि वह उसकी खूबसूरती कितनी होती यानी प्रजेंटेशन आप देखें कि किस शक्ल में आपको ये सब कुछ पेश किया जाता है अखज़त ज़रुफ आज यहां तक कि जब जमीन अपने हुसन को पहुंच जाती ज़ुखरुफ सोने को कहते हैं बेसिकली गोल्ड या किसी चीज़ के कमाल हुसन को यह हमने सूरत ज़ुहरुफ में भी पढ़ा था वातों वज... में जुहरुफ वह होता है जो बहुत अच्छा कॉल होता है जो दूसरों को खुश कर देता है जिसको आमतौर पर चिकनी चुपड़ी बातें भी कहते हैं तो ज़मीन में ज़ुहरुफ उसकी नबातात के मुख्तलिफ रंग होते हैं हती इधा अज़तल जुखरुफ़ हा से मुराद क्या होगी उसके बेल बूटे उसके मुख्तलिफ रंग रंगों के पत्ते फूल यानी जब ज़मीन का हुसन मुकम्मल हो जाता है यानी हर चीज़ निकल आती है उसकी इब्तः में तो छोटी छोटी निकलती है फिर थोड़ी और ज़्यादा फिर ज़्यादा लेकिन एक वक्त आता है कि उसका उसका हुसन मकमल हो जाता है और बहुत ही उमदा मंजर नज़र आता है रंगे मुख्तलिफ रंग नजर आते हैं उसके अंदर तो ऐसे मौके को जुखरुफ़ कहते हैं यानी ज़मीन का ऐसा मंजर हो जाता है जो देखने वालों को खुश कर देता है यूँ लगता है जैसे ज़मीन ने एक खूबसूरत चादर ओढ़ ली है और ऐसे ही मौसम में फिर लोगों की तफरी और आउटिंग भी बढ़ जाती है और पाक्स आबाद हो जाते हैं और लोग बाहर निकलने लगते हैं अजीब नजारा और रंग नजर आता है कोई सफेद फूल किले में है कोई येलो कोई रेड है कोई पिंक है और रंग ही रंग है और फिर ऊपर तितलियां भी बाजत आ जाती हैं तो ये सब कुछ किससे हुआ पानी से जमीन का ये रंग बदला जमीन बार रौनक हो गई वह अम्बदना भी हद तबाह कि हमने इसके साथ रौनक वाले बागात उतारे और उगाए माँ का ना लकुम अंतुम बिशा जा रहा तुम्हारे बस में न था कि तुम ये सब उगा सकते तो बहरहाल ज़मीन की ये जुखरफ जो है कदीम ज़माने में सबसे ज़्यादा नोटिसबल चीज़ थी आज के दौर में आप देखें कि हम एक मसनू ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमने अपनी इस मसनू ज़िंदगी में ज़ीनत के बहुत से सामान पैदा कर लिए जिसमें आप देखिए कि बिल्डिंग्स को आप देखें मोहल्लात को देखें यानी आर्किटेक्चर जो है या जो बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं उनके बाहर कैसे कैसे जेब वज़ीनत के सामान ऐसे ऐसे शीशे और ऐसे रंग और ऐसे डिज़ाइन और ऐसी चीज़ें लगा दी गई हैं कि लोग अब उस जुखरफ को छोड़कर इसकी तरफ़ ज़्यादा मायल होते हैं इसी तरह इंटीरियर डेकोरेशन आप देखें पूरा एक इल्म बन चुका है और किस तरह उस पर माल खर्च किया जाता है फिर इसी तरह बाज़ार जो देखें मॉल्स को आप देखें तो आज के इंसान की अवलिन तरजीह क्या हो गई है जेब जीनत को इख्तियार करना ख़ुद अपने लिबास में अपने चेहरे पर अपने अपने बैग्स अपने जूते यानी हर तरह कोई चीज़ भी आप देखें फ़र्नीचर देखें किसी भी चीज़ पर नज़र डालें तो और फिर हती के खाने पीने की चीज़ें भी उनको भी गज़ाइ से ज़्यादा सजाने की फिक्र होती है कि खूबसूरत नज़र आए तो ये ख़ूबसूरती की जो हिस्सा ये इंसान के अंदर है और इससे वो धोखा खा जाता है और ये कहने के बावजूद कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती लेकिन भागता फिर भी वो चमकती चीज़ों के पीछे ही है तो ज़मीन के ऊपर जब ये सारा हुसन नज़र आता है वह जन्न आहलुहाम कादिरुन अलह और उसके मालिक ये समझते हैं कि हम इस पर कादिर हो गए यानी हम इससे पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं बेहतरीन घर इंसान तैयार करता है बेहतरीन घर बनाता है बेहतरीन चीज़ें लगाता है सजाता है और वो समझता है कि अब ये सब कुछ मेरे कंट्रोल में है लेकिन हकीकत क्या है हकीकत यह है कि जो ही इंसान ये समझने लगता है कि वो इन चीज़ों पे कादिर हो गया, ये चीज़ें उसके कंट्रोल में आ गई अब वो पूरी तरह इनसे फ़ायदा उठा सकता है तो कुछ और हादसा हो जाता है और ये हम दिन रात देखते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी तरक् बड़ी बड़ी ख़ूबसूरत चीज़ों ब, बहुत ज़्यादा जो दुनिया के आरइश के सामान हैं उनका अंजाम क्या होता है कहीं की भी वैसे कोई फंक्शन होता है डेकोरेशन आप करते हैं उसके बाद क्या होता है जब आप समझते हैं कि अब अब तैयार हो गए अब ठीक अब परफेक्ट परफेक्ट अब सब ठीक हो गए उसके बाद ही साथ ही सवाल शुरू हो जाता है साथ ही खात्मे की तरफ लग जाता है तो याद और फिर यह कि वो चीज इंसान के अंदर एक गुरूर और तकबर भी पैदा कर देती है जो कि नापसंदीदा चीज है किसी भी काम पर जब आपको कुदरत हासिल हो जाए आप बना लें तो उस वक्त क्या कहें माशा अल्लाह जो अल्लाह ने चाह ये अल्लाह के करने से हुआ अल्हमदल्ला इसी तरह इन शाला करूँगा मैं तब जब अल्लाह चाहेगा हो गया माशा अल्लाह जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ अब देखिए कि जब इंसान अल्लाह को भूल जाता है तो फिर इंसान के लिए मुश्किल होती है जैसे फिरौन और कारून की गुफ्तगू उनकी हलाकत का सबब बनी थी कारून ने क्या कहा था ये नहीं कहा था कि अल्लाह की मेहरबानी है मुझ पर कहा था इन नमा ऊती तो हू अला इंदी। कि ये तो मुझे एक इल्म की वजह से दिया गया है जो मेरे पास है फिरौन ने क्या कहा था या कौमी अलह सली मुल्क मिस्र बहाद हिल अनहारती क्या ये मिस्र की हुकूमत मेरी नहीं ये मुल्क मेरा नहीं और ये जो नहरें यहाँ बहती हैं ये सारी मेरी मिल्कियत में नहीं यानी वो क्या समझता था कि मैं इन पे क़ादर हूँ इन पे मेरा कंट्रोल है ये सब कुछ मेरे हाथ में है तो अंजाम क्या हुआ कानून का और क्या हुआ फिरौन का तो इंसान की बहादुरी इसी में होती है कि वो अपनी हर काबिलियत और हर चीज़ को अल्लाह अल्लाह सुबहान तरफ मंसूब करे अपनी ज़ात की तरफ मंसूब ना करे तो कुछ कलिमा ऐसे होते हैं कि जो इंसान के लिए तबाही का बायस बनते हैं कौमों की तबाही का बास बनते हैं इब्लीस ने क्या कहा था अना खैरु उमिन शैतान जो है इन कलमात के ज़रिए इंसान को हलाक करता है मैं मेरा मेर, मैंने किया मेरी तरफ से है ये नहीं कहता कि अल्लाह की मेहरबानी अल्लाह ने दिया अल्लाह का फजल अल्लाह की रहमत यह कहने की बजाय हर चीज को अपनी तरफ मंसूब करता है ठीक है कोशिश इंसान करता है लेकिन जब तक अल्लाह की तोफीक ना हो तो कुछ हासिल नहीं होता तो ईमान की अलामत में से है ये बात कि सच्चा मोमिन यह समझता है कि उस पर हर चीज अल्लाह के फजल से है वरना उससे भी ज्यादा काबिल अकलमंद होशियार लोग दुनिया में हैं जो कि उससे कम नेमतें रखते हैं ज्यादा मोहताज हैं, और आप देखिए कि जब भी कभी किसी को चाहे मुसलमानों को भी अपनी ताकत का छोटा सा भी ख्याल आया गुरूर हुआ तो फिर नतीजा क्या हुआ आप देखिए बदर के मकाम पर मुसलमान कमजोर थे लेकिन सारा भरोसा अल्लाह पे था अब अल्लाह के नाम पे निकले अल्लाह ही संभालेगा। तो क्या हुआ कामयाबी हुई अजिल्ला। बेबदुम अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जबकि तुम नहाय कमजोर थे इसके बरक्स सुनैन में क्या हुआ इबन अब्बास कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन रफ़ा वो हैं जो चार की तादाद में यानी चार का ग्रुप अच्छा होता है बेहतरीन दस्ता वो है जिसमें चार शहशवार हों चार सौ शहसवार हों चार नहीं चार सौ शहसवार यानी एक एक्सपेडिशन के लिए जो फौज जाती चार सौ पर बेहतरीन लश्कर वो है जो चार हज़ार की तादाद में हो और बारह हज़ार किल्लत की बिना पर हरगज़ मकलूब नहीं हो सकते बारह हज़ार का लश्कर मकलूब नहीं होता ठीक है अल्लाह ताला का फरमान है व योम आ आज़बत कुम कुम वो कसरत थी ना बारह हज़ार की फलम तुगने अनकुम शई आ वो कसरत तुम्हारे कुछ काम ना आई वज़ाक़त बिमा रहबत जमीन अपनी फराखी के बावजूद तुम पर तंग हो गई तुम म वल्लई तुम मदबरीन फिर तुम पीट फेरते हुए लौट गए ये मुसलमानों के साथ हुआ तो कभी भी इंसान को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं इस पर कादिर हो गया अब तो मैं इससे फायदा उठाऊंगा ही उठाऊंगा हुआ क्या अताहा अमरुना लईलन औ अना कि हमारा फैसला आ गया उस पर रात या दिन के वक्त इम्मा लईलन व इम्मा न कभी दिन के वक्त आ जाती है कोई मुसीबत कभी रात के वक्त आती है दोनों तरह ही आती है। और तबाही के लिए चंद लम्हे काफी होते हैं मामूली घड़ी में ही आन की आन में कुछ से कुछ हो जाता है यानी जब किसी कौम के पास रात के वक्त मुसीबत आए तो रात को तबाह हो जाती है और दिन को आए तो दिन को तबाह हो जाती है जैसे एक जगह पर आता है अता हा अमरुना जैसे यहीं पर आ रहा है अता हा अमरुना लई लनो न हारन फजा अल्लाह हसीदन तो हमने उसे कटे हुए खेत की तरह कर दिया और आप देखें अगर दुनिया की तारीख पर नज़र डालें तो बाज बस्तियाँ जो अभी भी जिनकी तस्वीरें या जिनके तबाही के आसार मौजूद हैं आ, वो इंसान के लिए बहुत बड़ी उबरत का सबब है कि बहुत तरक्की याफ्ता कॉमों में भी आ, बाजों का जब जलजले आए या एटम बम गिरे या और इसी तरह की कुछ मुसीबतें आईं या टोर्नाडोज़ आए तो आन की आन में या सैलाब आए तूफान आए आन की आन में सब कुछ हंसता बस्ता सब कुछ तबाह होकर रह गया यानी इंसानी कोशिशें इंसानों को ना बचा सकी अब इस आग ही की मिसाल लीजिए कि जो पिछले कुछ अर्से से कैलिफोर्निया में और ऑस्ट्रेलिया में लगी हुई थी कि इंसान किसी भी तरह उसको रोक नहीं सकता कोई बंद नहीं बांध सकता उस कोशिशों के बावजूद फैलती ही चली गई इसी तरह सूरत अलहफ में जो कलम में जो बाग वालों का किस्सा आता है वो पूरी तैयारी जब बाग के फल खूब पक गए पूरी तैयारी के साथ चुपके चुपके घर से निकले के जाके रातों रात सारा फल काट के ले आएंगे तो क्या हुआ रात के वक्त ही उनके जाने से पहले बला पि गई और सारा खाक आलूद हो गया तो यहाँ भी ये यह समझते थे कि हम कादिर हैं यानी जब जहाँ भी इंसान समझते हैं कि हम कादिर हो गए तो फिर वजह अल्लाह हसीदन का अल्लम तगना बिल अम्स तो हमने उसको हसीद कर दिया हसीद का मतलब है जड़ से काटी हुई खेती कुछ खेत होते हैं ऊपर ऊपर से कटते हैं और कुछ होते हैं नीचे से कट जाते हैं यानी पता भी नहीं चलता कि यहाँ क्या उगा हुआ था जैसे कहा जाता है अरबी में हसद दाबर उसने उनकी नस्ल काट दी हसद जर उसने खेती काट दी यानी काटी ऐसी कि नीचे तक काट दी और वो यूं हो गई का न बिलम्स गोया के कभी आबाद ही नहीं थी यहाँ कुछ था ही नहीं किसी जगह पर जब अरब इकामत या सुकूनत इख्तियार करते तो कहते गनी या फिल मकान फलां शख्स फला जगह आबाद हो गया और मगानी उन घरों को कहते हैं जिनको लोग आबाद करते हैं तो लुहत में गना का माना होता है काफी होना और बिल अम्स अम्स का मतलब यस्टरडे नहीं कल हम तर्जमा उर्दू में कल करते हैं ना नहीं सिर्फ कल नहीं पास्ट ठीक है और इसी तरह गदन का मतलब टमोरो नहीं होता फ्यूचर फ्यूचर मुराद होता है जैसे वो वल तंजुर नफसुम माकदमत लिगद इसका मतलब नहीं टमारो के लिए बल्कि फ्यूचर के लिए तो इंसान की जिंदगी का भी यही हाल है यानी रूह जो है पानी की तरह आसमान से उतरती है बदन उससे मिलकर बदन मट्टी से बनता है ना रूह आसमान से आती है खूब फलता फूलता है उस पर जवानी आती है इल्म हासिल करता है निखरता है एक खूबसूरत नौजवान बनता है फिर उसकी उम्मीदें होती हैं शादी होती है कमाई शुरू हो जाती है घर बनाता है बच्चे होते हैं फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं वो सब अपने अपने ठिकानों पर चले जाते हैं और वो घर ऐसे होता है जैसे कभी यहाँ कोई बसा ही न था कुछ मुद्दत के बाद लोगों के जहनों से भी मायब हो जाता है कि यहाँ बहुत हंसता बस्ता घराना बसता था और फिर इंसान बुढ़ापे का शिकार होकर फना की नज़र हो जाता है हकीकत यह है कि इंसान समझता है कि जो मैं दुनिया के लिए कोशिशें कर रहा हूँ ये मेरे किसी काम आने वाली हैं ये और उसको करके इंसान को एक अजीब सी सेफेक्शन होती इतना कमा लिया इतना रख लिया अब फिक्र की बात नहीं घर बन गया अब अब परेशानी खत्म फला चीज हो गई जॉब लग गई अब बेफिक्री हो गई शादी हो गई अब बेफिक्री हो गई लेकिन इनमें से हर चीज का आप अंजाम देखें क्या जॉब इंसान कब तक कर सकता है एक वक्त आता है रिटायरमेंट हो जाती है बाजों का तो उससे पहले ही उखाड़ फेंका जाता है बिजनेस कोई बिजनेस ऐसा नहीं है कि जो इंतहाई फलरश करने के बाद कभी जवाल का शिकार ना हुआ हो इसी तरह शादी तो शादी का भी अंजाम देखें आप कभी ख़त्म हो जाती है कभी वैसे मर के कोई साथी छोड़ जाता है बच्चे हैं तो उनका भी यही हाल होता है कि आप जितने ही चाहें उनको मोहब्बत दे दें जितना चाहें उन पर माल खर्च कर दें वो आपके नहीं होते उनकी अपनी जिंदगियां होती हैं और वो छोड़ के चले जाते हैं ये तो आम रोज़मर्रा के मामूल के वाक़ हैं ना लेकिन इससे भी बढ़ कर क्या होता है कि किसी इंसान की हसरत उस वक्त देखने की होती है कि जब इंसान महीना भर काम करे और एंड में उसको तनख्वाह ना मिले शायद यहाँ तो ऐसी मिसाल आपको नहीं मिलेगी लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि जहाँ लोग एक, एक महीना नहीं कई कई महीने काम करते हैं और कुछ भी हाथ नहीं उनकी महरूमी उनकी परेशानी उनकी हसरत देखने की होती किस उम्मीद के साथ कैसे कैसे पापड़ बेल के वो ऐसी जगहों पे पहुंचते हैं कि जाके अच्छी जॉब करेंगे और कमाएंगे और हालात बदलेंगे और मेहनत के बावजूद हासिल कुछ नहीं होता इसी तरह उस शख्स की हसरत को देखें कि जो अपनी ज़िंदगी भर का सारा सामान बीबी का भी जेवर ले लिया पिछली भी जमा कुछ माँ बाप से लिया इधर से लिया उधर से लिया और सारा कुछ बिजनेस में लगाया मगर ज़ीरो प्रॉफिट बल्कि उल्टा लॉस क्या हाल होता है यानी ऐसे इंसान की हालत क्या होगी फिर इसी तरह बाज लोग घर बनाते हैं सारी जिंदगी की कमाई जमा करके लेकिन इससे पहले कि घर बने वो खुद दुनिया से चले जाते कई ऐसी मिसालें मिलती हैं और कभी उसमें रहना नसीब भी होता तो चैन से नहीं रह सकता कभी इंसान बहुत सेहतमंद होता है ताकतवर होता है एक छोटा सा स्ट्रोक होता है और दूसरों का मोहताज हो जाता है आजाशल शल हो जाते हैं और सारी उसने जो मेहनत की होती है अपने ऊपर वर्कआउट किया होता है अच्छी गज़ा खाई एक्सरसाइज की सेहत का ख़्याल रखा वो आन की आन में सब कुछ ही बैठ जाता है तो ऐसे मौक़ों पर लोगों का हाल देखने के काबिल होता है हम सब इसका मुशाह करते हैं इसको एक्सपीरियंस करते हैं किसी की औलाद होती है जवान होती है बिल्कुल जवानी के एन जोबन पे होती है कि अचानक डेथ हो जाती है कोई एक्सीडेंट हो जाता है कोई वैसे फौत हो जाता है तो इंसान जब अपनी मेहनत के सव, मतलब कहने का मतलब यह है कि इंसान जब अपनी मेहनत के आखिरी न दर्जे पे पहुंचता है कि अब फल काटूं जैसे खेती वाले ने खेत लगा के जब वो खूब जोबन पे पहुंची और उसने समझा अब तो मैं इसका इसका मुझे इतना और इतना प्रॉफिट मिल जाएगा कि यह या या कुछ सारी की सारी जल जाती है ऐसे ही एक इंसान इंतहाई मेहनत के बाद जब ये समझता है कि अब अब मुझे कुछ मिलने वाला है तो इससे पहले वो सब कुछ या वो ख़त्म हो जाता है या इंसान खत्म हो जाता है और इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं रहता यही हाल इंसान के अमाल का है वो दुनिया के लिए भाग दौड़ कर रहा है कर रहा है कर रहा है लेकिन जब वो आखिरत में जाएगा तो अगर वहाँ के लिए कुछ नहीं किया तो सिवाय हसरत और नदामत के कुछ भी नहीं होगा वो आगे देखेगा कि वो वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा यानी उसने अपनी सारी ख्वाहिशा दुनिया में ही पूरी करने की कोशिश की उसी को जैब व जीनत देता रहा और आखरत का लिहाज ही नहीं किया तो वहाँ जब वो देखेगा कि फिर बिल्कुल मुफलिस बन के खड़ा होगा एक लुटे पुटे इंसान की शक्ल में, और उसे यूं महसूस होगा कि वो इस उससे बड़ा ख़सारे में कोई भी नहीं यानी जब इंसान को ये यकीन की कैफियत आने लगती ना कि अब तो मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया इससे पहले कि वो कुछ हासिल करे वो सब कुछ हाथ से जाए तो उस पर इंसान की मायूसी आप देखें कि ऐसे मौाक़े पर बाजोत लोग कोप नहीं कर पाते हार्ट अटैक्स हो जाते हैं खुद भी दुनिया से चले जाते यानी कोई और चीज़, किसी चीज का नुकसान होता है माल का या औलाद का तो वो उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाते पर मैं कदाली का नफसिल आयाती लिखऊ में ये तफक तरह हम आयात को खोल खोल के बयान करते हैं उनके मानी को करीब लाकर मिसालें बयान करके वाजे करते हैं किन के लिए उन लोगों के लिए जो गौर वफिक करते हैं यानी जो अपनी अकल को इस्तेमाल करते हैं जो गफलत में डूबे हुए हैं जो मुँह फेरने वाले हैं जो इन मिसालों पर गौर नहीं करते तो उनको ये कुछ भी फ़ायदा नहीं देती उनसे वो कुछ भी नहीं सीख पाते यानी इस वक्त तो हम सिर्फ एक जबानी बातचीत कर रहे हैं ना अगर अमली तौर पर इंसान ऐसे मंजर को देखे कि मसलन दरख्त पे पूरा फल पक चुका था और इरादा था कि सुबह तोड़ना है और सुबह देखे तो दरख्त ही जला हुआ है तो इंसान के दिल का हाल क्या होगा किस तरह उसको क्या नजर आएगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ तो इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते वल्ला द्लाम अल्लाह तुम्हें सलाम की तरफ दावत देता है कि सलाम यानी जन्नत के लिए कुछ करो वहां की तैयारी करो वहां भेजा हुआ आगे भेजा हुआ कुछ भी जाया नहीं जाएगा वहां जाकर असल इंजॉयमेंट होगी वहां कोई भी किसी भी चीज का कुछ नुकसान नहीं बल्कि मल्टीपल होकर तुम्हें वापस लौटाया जाएगा व यह दी मैशा उला सरात मस्तकीम और वो जिसको चाहता है सरात मस्तकीम की हिदायत देता है। यानी ऊपर की आयत में आयत नंबर चौबीस में अल्लाह ताला दुनिया की मिसाल बयान करते हैं और उसके जल्द जवाल का जिक्र करके लोगों को एहसास दिलाते हैं कि जिस दुनिया के पीछे तुम तो भाग रहे हो इसकी कोई हकीकत नहीं है और उसके साथ ही फिर उसके मुकाबले में जन्नत की तरगीब देते हैं जिसका नाम दार्सलाम रखा है कि वो हर तरह की आफात मुसीबतों से बिल्कुल सलामत है दुनिया दारुसलम नहीं है यहाँ आप कितने भी सिक्योरिटी के बंदोबस्त कर लें जो ख़तरा लाक होना है वो होना है जिस चीज़ ने जाना है जाना है आप रोक नहीं सकते उसको लेकिन वहाँ हर चीज़ सलामत होगी और हमेशा सलामत रहेगी और आपस में भी लोग सलामती के साथ रहेंगे लिहाजा कोशिश उसकी करो तो बहरहाल इस मिसाल में अल्लाह सुबहान दुनिया की जीनत के जल्द ख़त्म होने की खबर दी है ताकि हम उसको उतनी ही अहमियत दें जिस अहमियत के वो काबिल है इसकी जीनत से इसके जुख से इसकी चकाचौन से धोखा ना खाएं कि ये हमारे हाथ में रहेगी ये बहुत जल्द चली जाएगी फना हो जाएगी जैसे बारिश का पानी बरसता है हर चीज खूबसूरत लगती है फिर पानी भी वेपोरेट होता है और सूरज भी निकल आता है और खेत जल भी जाता है और सूख जाता है और चीजें खत्म हो जाती हैं वही हुसन व जमाल जो बारिश से बढ़ा था जब बारिश खत्म होती है और पानी नहीं मिलता तो फिर जमीन का एक और ही मंजर होता है गोया कि यहां कभी कुछ था ही नहीं और अल्लाह का फैसला किसी वक्त भी आ जाता है और सब कुछ अल्लाह के फैसलों से ही हो सकता है यानी अल्लाह ही बारिश भेजता है और अल्लाह ही तबाही का फैसला भी भेजता है जिस पर जब जो चाहता है करता है तो इसलिए इंसान अपनी दुनिया से और दुनिया में जो कुछ उसने तरक्की कर ली है और जो जो कुछ दुनिया में बना लिया है उस पर नाजाना हो क्योंकि इंसान सब पर अल्लाह की तकदीर का फैसला हावी हो जाता है और यह मजमून बयान हुआ है तो उन्हें देखा नहीं कि अल्लाह ने आसमान से कुछ पानी उतारा फिर उसे चश्मों की सूरत में जमीन में चलाया फिर वो उसके साथ खेती निकालता है जिसके रंग मुख्तलिफ है फिर वो पक कर तैयार हो जाती है फिर तू उसे देखता है पीली हो जाती है फिर वो उसे चूरा बना देता है बेशक इसमें अक़ल वालों के लिए बहुत सी निशानी है यानी कभी तो अचानक तबाही आ जाती है और अगर अचानक तबाही ना भी आए तो ग्रेजुअली इंसान जवाली की तरफ जा रहा होता है और जो कुछ वो बनाता है वो जवाली की तरफ जाता है तो ये दुनिया की हालत से मुताबकत रखने वाली एक बेहतरीन मिसाल है जो यहाँ पर बयान हुई है दुनिया में इंसान शहबत और ख़्वाहिश और लज्जत के पीछे अपना बहुत कुछ गंवा देता है लेकिन ये सब कुछ बहुत जल्द रुखसत हो जाता है दुनिया का फायदा महदूद है थोड़ा है जल्द ख़त्म होने वाली है इसका हसन जमाल दायमी नहीं है इसकी आदत यह है कि पहले ये यह की तरफ जाती है और फिर लाज़मन जवाल की तरफ जाती है लिहाजा अकलमंद इंसान कभी इस फानी दुनिया से धोखा नहीं खाता दुनिया इस लायक नहीं कि इसमें दिल लगाया जाए दुनिया एक इस्तेमाल की चीज़ है दिल आखरत में लगा होना चाहिए फिक्र आखिरत की होनी चाहिए दुनिया से तो जहद ही इख्तियार किया जाए और इस मिसाल से इंसान इस मिसाल को अपने ऊपर भी ले कि इंसान जब बहुत कुछ सीख जाता है और बहुत कुछ करने के काबिल हो जाता है जैसे मसलन रिटायरमेंट की एज पे उस बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जाता है लेकिन बीमारियां घेर लेती हैं कुछ करने के काबिल नहीं रहता जिसमें ऐसी कमज़ोरी आती है कि पूरी तरह अलर्ट ही नहीं रहता और फिर यकायक कभी मौत ही आ जाती कितने ही लोग हैं जो रिटायरमेंट का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि रिटायर्ड होंगे तो फिर हम ज़्यादा वक्त हमें मिलेगा अपने आप को टाइम देने के लिए दोस्तों रिश्तेदारों को और फुला फुला काम करने के लिए और आराम करने के लिए लेकिन इससे पहले ही वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो इसलिए दुनिया को अपना हम और गम नहीं बनाना चाहिए जो सीखने का सबक है वो ये है और फिर इस आयत में ये भी पता चल रहा है कि ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ही देता है और अल्लाह ही लेता है और जो रब एक दफ़ा ज़िंदगी देता है वो दोबारा भी दे सकता है यानी आख़रत में यानी ये आयत क़यामत के कायम होने पर और दोबारा की ज़िंदगी पर भी दलील है "وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْجَرْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ "من السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا" और इनके लिए दुनिया की जिंदगी की मिसाल बयान कीजिए जैसे पानी जिसे हमने आसमान से उतारा तो उसके साथ जमीन की नबातात खूब मिलजुल गई फिर वो चूरा बन गई जिसे हवाएं उड़ाए फिरती हैं और अल्लाह हमेशा से हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाला है यहाँ दुनिया की जिंदगी की हकीकत को बयान करने के लिए दूसरी मिसाल आई है और यह मिसाल बहुत हद तक पहली मिसाल के मुशाबे है इसीलिए इसको यहाँ साथ जमा कर दिया गया है ये मिसाल सूरत सूरतलक़ की आयत नंबर पैंतालीस में आती है सूरत अलहफ बहुत अजीम सूरत है जिसे हर जुमे को तलावत किया जाता है और यह हमें क़ानून फ़ितरत पर साबित कदम रहने का सबक देती है गुमराहियों से डराती है इंसान को सिरात मुस्तकीम से फेर देने वाली और उसकी ज़िंदगी पे असर हो असरानंदाज होने वाली चीज़ों से इंसान को धोखा नहीं खाना चाहिए सूरत कहफ में इस मिसाल से पहले भी कुछ वाक़ात और इसबाक हैं और अहले ईमान से जुड़े रहने का हुक्म दिया गया नबी सल्लम को कि आप अपने आप को उन लोगों के साथ रोके रखें जो अपने रब को पहले और पिछले पैर पुकारते हैं उसका चेहरा चाहते हैं तुम्हारी आंखें उनसे आगे ना बढ़े क्या तुम दुनिया की जिंदगी की जीनत चाहते हो वला दोना का अनहुम तुरीद जीनत हयात दुनिया तो यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया जा रहा है तो फिर हमारा क्या हाल है कि हमारे अंदर दुनिया की मोहब्बत या दुनिया की अट्रैक्शन कितनी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि इससे इंसान इसके आगे इंसान कमज़ोर होता है तो इसलिए बार बार याद दहानी की ज़रूरत होती है कि नहीं असल ज़िंदगी कल शुरू होने वाली है फिर सूरत कहा में दो बाग वालों का किस्सा भी बयान किया गया है एक वो था जो अपने बाग पे मकरूर हो चुका था तो तकबर तकब्र गूर ने उसको यहाँ तक पहुँचा दिया कि कहने लगा माँ अज़ुल्नुन तबीद हाजी अबदा मैं नहीं समझता कि ये कभी तबाह होगी यानी यह बाघ कभी तबाह होगा बिल्कुल वही अन्ना वाली बात है और फिर साथी क्यामत को भी जुटला दिया वमा अज़ुन मतन तो मोमिन दोस्त जो था वो अपने साथी को नसीहत करता रहा लेकिन साथी जो था वो गुरूर तकबर करते हुए नसीहत से एराज बरतता रहा तो फरमाया वह मिसाल आई वियात दुनिया नबी सल्हलम को खिताब है अल्लाह तुक्म दे रहे हैं कि आप इनके सामने दुनिया के खात्मे और उसके चले जाने की मिसाल बयान करें ताकि लोग नसीहत पकड़ें क्या मिसाल है कमाए नंजल ना मिन एक पानी की तरह जिसे हम आसमान से उतारते हैं वख्तला तभी नबातुलर्त जिसके साथ ज़मीन की नबाता मिलजुल जाती हैं यानी पानी उतरने के बाद ज़मीन रंगा रंग के पौधे उगाती है और खूब घनी हो जाती है उसकी नबाता फिर क्या होता है उस नबाता में इसकी तफसील चूंकि पिछली याद में आ गई इसलिए मजीद इसकी वजह नहीं करूंगी फसबह हशीमन तज्रुह रिया तो वो हशीम हो जाती हशीम वो खुश्क नबाता जो रेजा रेजा हो जाती जैसे सूखे पत्ते और टहनियाँ वो चूरा चूरा हो जाते हैं और जब चूरा चूरा हो जाते हैं तो तज्रुरिया उसको हवाएं उड़ाती और बखेरती फिरती हैं यानी ज़मीन में दाना डाला गया पैदावार आई फल फूल आए सब सरसब्ज हुई ज़मीन शादाब हुई हर चीज़ बहुत भली नज़र आने लगी कि उसके कुछ ही अरसे के बाद ऐसा वक्त उसी जगह पर आ गया यानी पहली मिसाल में तो ये ना कि आफत आ गई और इस मिसाल में क्या कि आफत नहीं आई लेकिन बतदरीच वो अपने जवाल को पहुँची तो ये दोनों चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में हो सकती बाजुकात इंसान की नमतों को कोई आफत आके पड़ जाती है और बाजुकात वक्त के साथ साथ वो नमतें जवाल पजीर हो जाती हैं तो यहाँ ये यह दूसरा सिलसिला है कि वो असबह हशीमन तदरू रिया कि खुश्क नबाता रेजा रेजा यानी खुश्क हो गई सब्जा खुश्क हो गया और फिर उसके बाद वो रेज़ा रेजा हो गया हशीम हो गया हशीम को रियाह ने उड़ा दिया सामने कुछ भी ना रहा कुछ नज़र ही नहीं आता और यहाँ पर आप देखें कैनेडा में जब ख़जा आती है और पत्ते गिर जाते हैं तो उसके बाद यूँ लगता है जैसे कभी यहाँ कुछ उगा ही नहीं था घास के ऊपर बर्फ़ पड़ जाती है वो वैसे नज़र नहीं आती दरख्त ढूंढ मंड हो जाते हैं ज़मीन आसमान का रंग एक होने लगता है तो इंसान उसी में आप देखें कि लोगों को कितना डिप्रेशन होता है कितनी परेशानी होती बहुत से लोग महज उस मौसम की वजह से बीमारियों का शिकार हो जाते हैं खसूस जहनी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं तो अगर दुनिया में ये हाल होता है कि एक न के चले जाने के बाद इंसान परेशान होता है तो आखिरत में जब इंसान के अमाल का उसको कोई नतीजा नजर नहीं आएगा कि मैंने तो दुनिया में इतनी मेहनत की थी इतना थका था दिन रात काम किया था कि मुझे कुछ हासिल हो ना वहां कुछ मिला और ना आगे कुछ है तो इंसान की परेशानी का आलम क्या होगा फिर उस वक्त उसकी जहनी हालत का हाल क्या होगा और उसकी उसके ऊपर क्या बीतेगी यहाँ पर आप देखें फ़्त लता दोनों में फ़ा का इस्तेमाल हुआ है और इससे कलाम की बलागत में और ज्यादा इजाफा हो जाता है और फ़ा जो है ये ताकीब के लिए आती है कि वो मुद्दत जिसमें नबाता तरोताज़ा और खूबसूरत होती हैं और ये मुद्दत बहुत कलील होती है यानी फख्तलता अभी हुआ ही था कि असबहहा हो गया यानी बस जल्द ही उसके ऊपर एक और फेज आ गया वकान अल्लाह मुक्तदरा और अल्लाह हर चीज पर पूरा इकतेदार रखता है पूरा कंट्रोल रखता है यानी सरसब्स करने पर भी पूरी कुदरत रखता है और तबाही और बर्बादी से दो चार करने पर भी पूरी कुदरत रखता है तो बहरहाल इंसान को इन चीज़ों से यानी दुनिया की रौनक से धोखा नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये बहुत थोड़ी मुद्दत के लिए होती और ये मिसाल हम ये एक्सपीरियंस हम अक्सर करते ही रहते हैं हमारी आंखें ये नज़ारे देखती ही रहती हैं कि ये सब कुछ थोड़ी मुद्दत के लिए होता है आजकल आप देखें कि स्प्रिंग है तो उसकी वजह से एकदम घास के अंदर भी येलो फूल कसरत के साथ हो कहीं लगता है जैसे किसी ने फूलों वाली चादर बिछा दी हो ज़मीन पर हर जगह पर यानी खुद रोह फूल हैं और इतना हसीन मंजर पेश करते हैं और इसके अलावा भी दीगर रंगों के पर्पल कलर के और और रंगों के पिंक कलर के तरह तरह के जगह जगह खुद पौधे जो उगे हुए हैं वो जमीन को हुसन बख्श रहे हैं लेकिन कितने दिन के लिए फिर खुश्क हो जाएंगे खाक हो जाएंगे तो यहाँ अल्लाह सुबहान तला के लिए मुक्तदिरा दिरा का लफ्स इस्तेमाल हुआ है वकान अल्लाह कुल्शन मुक्त मुक्तदिरा यानी अल्लाह तला की ज़ाहिर होती है पैदा करने के वक्त फिर उनको नंबर दो तरक्की देने के वक्त और नंबर तीन उनको हलाक करने के वक्त यानी अल्लाह की कुदरत का अगर अंदाज़ा करना हो तो इन तीन औकात में देखिए जब कोई चीज़ पैदा हो रही होती है और जो जब कोई चीज़ अपने पूरे रूज पर होती है और फिर जब वो चीज़ अपने जवाल को पहुँचती मसला एक माँ है अगर उसका कोई जवान बच्चा फौत हो जाए तो वो अक्सर उसकी पैदाइश के दिन और उसके आगाज़ को याद करती फिर जिस जिस तरह उसने उसको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया वो याद करती और फिर किस तरह उसकी वो दुनिया से चला गया तो इन सब चीज़ों में वो अपने आप को बेबस पाती दिया भी उसने कुत भी उसने बख्शी और फिर लिया भी उसने और इस मिसाल के बाद आगे फिर बहुत खूबसूरत आयत आती है कि अलमालबनू नीनतयात दुनिया के माल और बेटे भी दुनिया की जिंदगी की जीनत है क्योंकि सबसे ज्यादा जीनत हुसन रौनक माल की वजह से आती है जितना जितना लोगों के पास माल बढ़ता जाता है उनकी जिंदगी में उतनी उतनी चीजों में उनके रख रक रखाव में स्टाइल में जीनत बढ़ती चली जाती है गाड़ी हो घर हो हर चीज के अंदर ये नहीं देखा जाता कि ज़रूरत क्या है ये देखा जाता है किससे क्या चीज़ स्टेटस सिंबल है क्या चीज़ ज़्यादा खूबसूरत लगेगी और यहाँ पर आप देखें कि बनून से पहले माल का जिक्र है क्योंकि जीनत की वजह से आयत की मुनासबत की वजह से और दूसरा ये कि बेटे जीनत बख्शते हैं ज़िंदगी को बाजू बेटे जीनत नहीं भी बख्शते लेकिन माल तो है इंसान को हर वक्त एक ज़्यादातर माल जो है इंसान या सरप्लस माल जब होता है तो फिर वो ज़रूरत नहीं बल्कि जीनत पर इस्तेमाल हो रहा होता है साथ ही फरमाया वल बायात साल ख़ैरंद रबी का व वन अमला कि आखिरत की जिंदगी में जो चीज़ फ़ायदा देगी वो इंसान की नेकियां हैं बायात सालिहात हैं यानी सालिहात नेकियां जो हैं वो असल में बाकी रहेंगी और मुफसरीन ने इसके बारे में तवील गुफ्तु की है कि इससे मुराद कौन से अमाल हैं जो बाकी रहेंगे और आख़रत में ज़खीरा होंगे और इसी तरह हमारे जो अजगार में से सुबह अल्लाह अलहमदिल्ला वला अला अकबर को भी बाक़ियात साल कहा गया है तो मिसाल हमें क्या पैगाम देती है कि दुनिया की ज़िंदगी हाथ से निकल जाएगी इस पर इतना फोकस ना रखो इसकी ज़्यादा फ़िक्र ना करो इसका ज़्यादा गम ना करो इस इसके जवाल से सबक सीखो इसके बाद भी कुछ है और वो आखरत की जिंदगी है लिहाजा कम वक्त वक्त कम है और काम ज्यादा है और अंजाम बड़ा भयानक है खात्मे का वक्त भी मालूम नहीं कि कब हम चले जाए इस दुनिया से तो इसलिए जितना जल्द हो सके जैसे जैसे हो सके उसकी तैयारी करते रहो हकीकत यह कि अल्लाह ताला हर इंसान की जिंदगी में नसीहत के बहुत से मवा लाते हैं लेकिन हम लोग नसीहत कम ही पकड़ ये जिन जिन चीज़ों का ज़िक्र किया गया है इनमें से कौन सी चीज़ है जो हम नहीं देखते ये सारे तजुर्बात या हम पर होते हैं या हमारे आस पास हो रहे होते हैं यानी ये हम आ, इन इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन नसीहत वही लेता है जिसका दिल जिंदा होता है वरना अमूमन इंसान मालो मता के पीछे ईमान भी गंवा देता है अपनी सेहत भी गंवा देता है अपने रिश्तों को भी भूल जाता है अपनी बहुत सी कीमती चीज़ों को छोड़ देता है और सबसे बड़ी बात यह कि अपनी आख़रत को दाव पे लगा देता है क्योंकि इन चीज़ों की खूब इन चीज़ों की मोहब्बत इंसान के अंदर रख दी गई है ना हब्ब शहवाती मिन नसाई वलबन वल़नातीमुकन्तर मिन जहब वलफिदती वैल अलमुसमति वलनआम वल हर्ष जालि कमता हयात दुनिया वल्लु इंदू हसनमआब कुल अ उनब उकुम बिखैर झालकम ये चीज़ें तो हैं ये तो सबको नज़र आ रही हैं कि खूबसूरत है अच्छी लगती हैं हर एक के दिल को मुतासर करती हैं लेकिन इससे भी बेहतर चीज़ है अ उनब उकुम बिखैर मिन और वो क्या है ललदीन तकबिम जन्नात जन्नातुन तजरी मुन तहत अल अनहार खालिदीन फ़ीहा व अजवाजुमतरत वरिदुआवानल्ला वाह बसरबिल इबाद कि जो लोग मुत्तकी बने इन इन चीज़ों के बीच में रहते हुए अल्लाह को नहीं भूले अल्लाह का डर नहीं उनके दिल से गया उनके लिए उनके रब के पास बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं उनमें हमेशा रहने वाले हैं नहाय पाक साफ बीवियाँ और अल्लाह की जानिब से अज़ीम खुशनुदी अल्लाह बंदों को खूब देखने वाला है तो देखने की बात यह कि हम किस चीज़ के ज़्यादा हरीस हैं अल्लाह ने माल दिया शुक्र अल्लाह का औलाद दी शुक्र अल्लाह का लेकिन इसलिए नहीं दी ये दोनों चीज़ें कि हम इनके अंदर ही मशगूल होकर रह जाएं और दूसरों के हकूक़ भूल जाएं वमा औलाद वमा अम्बाकुमुम वाला औलादकुम बिल्लती तकर्रब इंदना जुल्फ़ा ये माल और औलाद ही नहीं जो तुम्हें हमारे करीब करेंगे असल चीज़ आमाले सालियाँ है माल और औलाद को भी जो आमाल सालिया में लगा देता है तो यही लोग हैं जो दुगनी जजा पाएंगे औलाद भी सदका जारिया बन जाएगी और माल भी सदका जारिया बन जाएगी तो दुनिया का सामान जो है या दुनिया की रौनक या दुनिया की, की ज़िंदगी जो शराब की तरह है जिसे जिस तक इंसान पहुंचता है यानी इंसान अपने लिए कोई गोल रखता है ये अचीव करना जब वहाँ पहुँचा तो कहता है ये क्या है इससे आगे चलो फिर आगे चलता है फिर वही अमल दोहराया जाता है फिर हर दफ़ा वही होता है कि इंसान किसी भी चीज़ पर सेटिस्फाई नहीं होता तो बहरहाल यहाँ जो दूसरी मिसाल दी गई है वो भी इसलिए कि हम इससे सबक सीखें और दोनों मिसालें हमें दुनिया की हकीकत बताती हैं कि दुनिया धोखे का सामान है आखिरत अटल हकीकत है जिसको टलना ही नहीं और बताओ दुनिया कलील है और भला आखिरत व ख़ैरम त है भला आखिरत व ख़ैर उम अबका है बाकी रहने वाली है दुनिया आर्जी है आखिरत हमेशगी का घर है हमारी असल ज़िंदगी ही वही है हम पैदा उसके लिए किए गए यहाँ तो सिर्फ टम्प्रेरी भेजे गए कि अपने आप को प्रूव करें कि हम उस बड़े इनाम के काबिल हैं और आखरत का घर ही असल करार है इन नाह हयात दुनिया मता ये तो बस फ़ायदा उठाने की जगह है कि वक्ती तौर पर इन चीज़ों को अपनी ज़रूरत समझ के इस्तेमाल करो व इन्ना लाखरत है करार दारु दारुल करार सुकून का घर ठहरने का रहने का वो आख़रत ही है और आखरत की ऐश ही असल ऐश है ला ऐशा अलाइशल आखिर जैसे नबी अलैहि वसल्लम जंग ख के मौके पर पढ़ रहे थे दुनिया कितनी भी उम्दा क्यों ना हो आखिरत के मुकाबले में हकीर है अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर से भी ज्यादा है मुर्दा बकरी से भी ज्यादा है इसकी हर चीज को जवाल है हर चीज को और जन्नत की किसी चीज को जवाल नहीं वहां कोई नियमत खत्म होने वाली नहीं बल्कि वो और बढ़ती जाएगी इजाफा ही होता जाएगा दुनिया कितनी भी उमदा हो कितनी भी अच्छी हो लेकिन उसका अंजाम अच्छा नहीं सिवाय ईमान और अमल साले के इन्ना जालनामादीन तिनबलुआम अयो हम अहसन वमला व इन्ना ल मा अलह सईद जुरुजा।, जुरुजा ये सब चटियल मैदान बन जाएगा तो दुनिया में बहुत नियमतों के पीछे ना भागें बहुत आराम की जिंदगी बसर न करें बल्कि अपने आप को आखरत के लिए थकाएं तो करने के काम ये हैं कि दुनिया को अपना असल मकसद और म वम नहीं बनाना दुनिया के ग़मों को पीछे छोड़ के उसको रिप्लेस करना आख़रत के ग़म से जब ख़याल आए ना किसी भी गम का दुनिया के ग़म का इसने मेरे साथ ये किया इसने इंसल्ट कर दी इसने मेरा लिहाज नहीं किया इसने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया ये मेरे काम नहीं आया इसने मुझे ये बात सुना दी थी ये बहुत नाफरमान है औलाद ये, ये फलाँ है ये फलाँ जितने भी इंसान को फ़िक्र फाका दिमाग में सर्कल चलता रहता है उनका साइकिल चलता रहता है उस वक्त तो फ़ौर सोचें यह अला मेरी आख़रत अच्छी कर दे जब दुनिया का गम सताए साथ ही कहें यह मेरी आखरत अच्छी कर दे अल्लाह मेरी कब्र को रोशन कर देना जहाँ कोई तकलीफ़ आए उसके पैरल आख़रत की राहत और तो जन्नत मांगे ये यानी उस ताकि उस एक तो आप उस गम से बाहर निकलेंगे उसकी फिक्र कम होगी और दूसरा ये कि जो असल गम है ना वो याद रहेगा और उसकी तैयारी रहेगी और दुनिया की मोहब्बत जो है ना एक बीमारी है दुनिया की मोहब्बत बीमारी है क्योंकि होता यह है कि जब वो मोहब्बत जिस भी चीज़ से ज़्यादा हो जाती है तो वो गम देने लगती है चाहे औलाद से हो चाहे माल से हो चाहे घर से हो किसी भी चीज़ उसके नुकसान का अंदेशा उसके ज़िया का उसकी उसकी मौत का उसकी हर चीज़ उसके टूट फूट उसकी उसके जा हाथ से जाने का है ये चीज़ फिर नहीं रहेगी मेरे पास ये जवानी नहीं रहेगी ये हुसन नहीं रहेगा ये फलां चीज़ नहीं रहेगी ये गाड़ी ख़राब हो जाएगी ये वो जो भी अच्छी से अच्छी चीज़ है ना उसके साथ एक गम लगा हुआ है हर फूल के साथ कांटा लगा हुआ है लिहाजा दुनिया की चीज़ों के पीछे अपने आप को नहीं घुलाना अपना अपना गम आखरत को बना लेना है और फिर इस दुनिया की जिंदगी से आखरत कमानी है हर अमल से आखरत कमानी है नेक अमाल का ज़ाद राह इकट्ठा करना है और दुनिया की जिंदगी को अमानत समझते हुए गुजारना है बस जायज़ हक में इस्तेमाल करना है

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابز لما بسطت، ولا مقرب لما بعدت، ولا مباعد لما قربت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مانع لما أعطيت. ولا مانع لما أعطيت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الحرب، اللهم آيذا بك من سوء ما أعطيتنا، وشر ما منعت منا، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع الدعاء، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لعلهم يتفكرون. कि लोग सोचें इस बारे में ये सोचने की बात है आप कुछ कहना चाहें तो सर पहली मिसाल में जब आपने बयान किया था ना कि किस तरह एक एक नबात का एक एक हिस्सा जो है वो अल्लाह ताला की हर मखलूक जो ज़मीन पर है उसके लिए होता है तो उसके लिए एक मरतबा एक नेशनल जोग्राफी की डॉक्यूमेंट्री देखी थी तो उसमें एक ट्री के बारे में उन्होंने बताया था कि कैसे उसका एक एक पार्ट उसके टॉप से लेके उसकी रूट्स तक और उसकी पूरी उसकी जो लाइफ हिस्ट्री थी उस ट्री की तो उसमें हर मखलूक चाहे वो उड़ने वाले परिंदे हों चाहे वो रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हों बड़े जानवर हों इंसान हो और उसके बाद जो ज़मीन के अंदर के भी जो जानवर हैं उसके एक एक पार्ट से वो फ़ायदा उठा रहे थे तो ये तो सिर्फ एक दरख की मिसाल है ना ये तो पूरी दुनिया की हर हर चीज़ जो ज़मीन पर उग रही है उससे दुनिया की हर हर मखलूक फ़ायदा उठा रहे उठा रही बिल्कुल ताज़ा मैं सोच रही थी सुबह अल्लाह के अल्लाह सुबहान तला की हम पर इतनी रहमत है अक्सर हम जब क़ुरान पढ़ते हैं तो जो आखिरत का और जो मौत का और वो जो तैयारी का एलिमेंट है वो नफ्स पे बड़ा ना एक तरह से भारी लगता है और हम उसको फेस नहीं करना चाहते लेकिन ये ऐसे एक हेड ऑन रियालिटी है कि अगर इंसान इस चीज़ को समझ ले तो फिर उसको पर्सपेक्टिव को ज़हन में रखते हुए पूरी ज़िंदगी उसको इंसान शेप कर सकता है अभी रिसेंटली जिन इमाम का इंतकाल हुआ तो उन्होंने एक लेक्चर में अपनी वफात से पहले वो यही कह रहे थे कि मैं इतना थैंकफुल हूँ कि हमारे रसूल वम ने हमें एजुकेट किया है कि किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है लेकिन उस चीज़ को आखिरत के गोल को मद्देनज़र रखते हुए और हर तरह से एजुकेट किया है हमें एंड आई थिंक ये फिर ऐसी चीज़ बन जाती है उस जैसे इंसान डरता नहीं है जिससे इंसान एज ए मीन ऑफ यू नो एक गाइड अपने लिए लेता है कि मैंने अब करना क्या है एंड इट्स इट्स अमेजिंग सो मान लग आई आई थिंक ये एम्पावर कर देते बिकॉज इन इन द करेंट कल्चर देर इज़ नॉट जस्ट हमारे पर्टिकुलर हमारे साउथ एशिया में बाहर इस चीज़ को बहुत एक खुदाना खास्ता और अल्लाह ना करे और इस तरह से हम इस चीज़ को एड्रेस करते हैं लेकिन इवन वेस्टर्न कल्चर में डेथ एक बहुत टबू टॉपिक है लाइक पीपल डों वांट टू एड्रेस दैट पीपल डों लाइक उसको बस हर्ष हर्ष कवर करके रख दें लेकिन बिकॉज ऑफ द पेंडेमिकज वेल पीपल आर हैविंग दिस टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशं इज़ एन इन एविटेटबल रियालिटी कोई भी पर्सन इसको इस्केप नहीं कर सकता अब मैं सोच रही थी जो जो खेती की और बाग की पूरी मिसाल है इसमें जो फार्मर है वो सबसे ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड है बिकॉज ही और शी दे नो कि क्या हो सकता है और ये एक साइकिल है इसके बाद क्या होने वाला है दे आर नॉट सडनली टेकन अ बैक दे आर ऑलरेडी प्रोएक्टिवली वर्किंग एट इट तो अगर हमारा भी अल्लाह करे हमारा ऐसा ये एक माइंड हो जाए कि हम मौत को एक रियलिटी की तरह जिए करें बिल्कुल एक्सेप्ट करें तो हमारी ज़िंदगी बहुत बहुत प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल हो सकती है इस जी आज की मिसालों में माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ें माइंड में आ रही थी एक तो कभी कसरत हर चीज़ की तादाद की कसरत जो है वो इंसान को हमेशा तकबुर देती है और लोग समझते हैं हमारे इतने बेटे हैं या हमारे इतने घर हैं या हमारी इतनी प्रॉपर्टी है और वो जो चीज़ें जिन जब उनके घाटे होते हैं जब उनके नुकसान होते हैं तो कई मरतबा लोग हिल भी जाते हैं वो कमी जब होती है किसी चीज़ की हमने खुद खुद जैसे कितनी दफ़ा अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ है कि एकदम से कोई चीज़ गायब हो जाती है हमारी थोड़ी देर के लिए गुम जाती है। हो 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 हमारा क्या हाल होता है और उसकी कोई वैल्यू उस वक़्त हमें हमारे दिलों में बहुत कुछ होता है कि ये हमारा ये चीज़ गुम हो गई मेरी खड़े खड़े मतलब मैंने मैं बाहर निकली घर से छोटे छोटे बच्चे थे मैं उनको लेके गई क्लिनिक में बाहर आई मेरी गाड़ी गायब ये लंदन की बात है मैं लंदन रह रही थी उस वक़्त तो मेरी जिस तरह ज़मीन पैरों के नीचे से निकली ठीक है वो बाद में किस हालत में मिली क्या चीज़ होता है इस तरह हर एक की लाइफ में इंसान इस ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरता है शौक़ शौक से गुजरता है जैसे मैं किसी को जानती हूँ उन्होंने सारा तैयारी की हर चीज़ की दस दिन पहले हज के से पहले और उनको स्ट्रोक हुआ स, स, मतलब अल्लाह ताला ही जानता है कि उनका क्या मामला था और क्या नहीं लेकिन हम उसके बारे में जजमेंटल लोग हो जाते हैं ये ये करता था या ये, ये करता यहाँ हमारे इम्तिहान इं, शुरू हो जाता है हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते ठीक है अल्लाह ताला लेता भी है देता भी है जिस तरह भी उन उसका अल्लाह अपनी, अपनी सोचनी चाहिए अपने ऊपर सोचना अपने ऊपर सोचना चाहिए कि हमारा क्या मामला है और इसी तरह एक अभी कोई फ्लोरिडा किया हुआ है तो वहाँ मच्छर आजकल कल स्प्रिंग की वजह से मुख्तलिफ इंसेक्ट्स वो देख रहे थे तो उन्होंने मुझसे शेयर किया कि खाली एक मच्छर हम तो सिर्फ़ पाकिस्तान में एक किस्म का मच्छर होता है ना वहाँ इतने किस्म के मच्छर हैं उनके इतने किस्म के रंग हैं जुगनू टाइप के भी मच्छर हैं जिनके साथ टॉर्च लगी हुई तो जब वो रिसर्च कर रहे थे तो कहते हैं है, मुझे आके मेरे जिसम पे बैठा तो मैंने कहा मैंने कभी मच्छर ऐसा देखा नहीं तो ग़ौर फिक्र करें तो इंसान के क्या क्या चीज़ें अल्लाह ताला कुदरतें अल्लाह ताला की नज़र आती हैं अल्लाह खरी اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على